जंगल मूल रूप से भूमि का एक टुकड़ा है जिसमें बड़ी संख्या में वृक्ष और पौधों की विभिन्न किस्में शामिल हैं। प्रकृति की ये खूबसूरत रचनाएं जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए घर का काम करती हैं और घने पेड़ों, झाड़ियों, श्लेष्मों और विभिन्न प्रकार के पौधों द्वारा कवर किया गया एक विशाल भूमि क्षेत्र को हम वन के रूप में जानते हैं। दुनिया भर में कई प्रकार के वन हैं जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों के लिए घर हैं, जो जंगल में बड़े आकार वाले भयानक एवं हिंसक जीवों का निवास होते हैं। हाथी जंगल का एवं भूमि का सबसे बड़ा जीव है, लेकिन यह शाकाहारी होता है। शेर, बाघ, भालू, चीता, लोमड़ी, अजगर आदि बड़े शरीर वाले जीव मांसाहारी होते हैं। आज हम ऐसे जीव के बारे में जानेंगे जो बर्फीले पर्वतों, जंगलों और पानी में भी दूसरे जानवरों को डराने का साहस रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपकी मुलाकात पुमा से कराएंगे और पुमा के अन्य जंगली जानवरों से खतरनाक मुकाबलों की सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुगर या पुमा या प्यूमा या पर्वतीय सिंह जो एक ही जानवर के नाम है और यह फेलिडाए कुल का एक शिकारी मांसाहारी जानवर है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह सुदूर उत्तर में कनाडा के यूकोन इलाके से हजारों मील दूर दक्षिणी अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला तक विस्तृत है और पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्ध में अन्य जंगली जानवर से बड़ा निवास क्षेत्र रखता है। कुगर आदत से एक अकेले रहने वाला और रात को सक्रिय रहने वाला प्राणी है। हालांकि लोक विश्वास में रंगरूप के कारण इसे सिंह से मिलता जुलता समझा जाता है, वास्तव में आनुवंशिकी नजरिए से यह सिंहों से ज्यादा चीते और साधारण पालतू बिल्ली से संबंधित है। पहाड़ी शेर या प्यूमा अपनी असाधारण लंबी छलांग के लिए जाना जाता है और कुगर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बिल्ली प्रजाति है, क्योंकि नर प्यूमा लगभग 8 फीट तक लंबा होता है और इनका वजन लगभग 75 किलोग्राम तक होता है। इसके नाम से कई प्रोडक्ट आपने बाजार में देखे होंगे। दरअसल कुछ कंपनियों ने इसके नाम और तस्वीर को अपने उत्पादों की पहचान बना लिया है और इसी तरह हम पुमा के नाम से तो परिचित हो गए हैं। यह लगभग 5 मीटर तक ऊंची छलांग लगा लेते हैं और तो और यह 6 से 12 मीटर तक लंबी छलांग भी लगा सकते हैं। यह पेड़ पर चढ़ सकते हैं और इन्हें तैरना भी आता है। यह प्राय सामान्य हिरण, अमेरिकी हिरण, बारासिंगा और भेड़ आदि का शिकार करते हैं। इसके अलावा कभी कभी यह बीवर और पक्षियों को भी खा लेते हैं। जब यह अधिक बड़ा शिकार कर लेते हैं तो बचा हुआ मांस पत्तियों से छिपा देते हैं और बाद में भूख लगने पर खाते हैं। इनकी वीडियो देखकर आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत खतरनाक जानवर है, लेकिन यह इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। जंगलों में इनका जीवन काल 10 से 13 वर्ष तो संरक्षण में 18 से 19 साल होता है। प्यूमा को वैज्ञानिक भाषा में प्यूमा कॉन्टलर कहते हैं। और अब थोड़ा कुगर के अतुल्य तथ्यों को जान लेते हैं। कुगर चीते की तरह तेज या जगुआर की तरह मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन वे अविश्वसनीय 25 फीट की छलांग लगा सकते हैं। कुगर के पास मजबूत पकड़ वाले मजबूत पैर हैं, जो उनकी महान छलांग और शॉर्ट स्प्रिंटिंग क्षमता की अनुमति देता है। वे जमीन से 18 फीट तक एक बाड़ या पेड़ पर छलांग भी लगा सकते हैं और 6 से 8 फुट की बाड़ एक कुगर को आपके पशुधन पर हमला करने से नहीं रोक सकती है। पर्याप्त सुरक्षा के लिए आपको कम से कम 12 फुट की बाड़ की आवश्यकता होगी, जिसमें 4 फुट का तिरछा ओवरहैंग हो, क्योंकि कुगर अपने जबड़े में एक छोटे जानवर को लेकर 10 फुट की बाड़ के ऊपर से कूद सकते हैं। सबसे आश्चर्यजनक कुगर तथ्यों में से एक यह है कि वे दहाड़ नहीं सकते। उनके पास ऐसी विशेषताएं नहीं हैं जिससे कि वो दहाड़ सके। इसके बजाय ये भयंकर बिल्लियां नियमित घरेलू बिल्ली की तरह गड़गड़ाहट करती हैं और वे अन्य आवाजें भी करते हैं, जैसे कि गुर्राना, चीखना, फुफकारना और सीटी बजाना, जैसे छोटी बिल्लियों की आवाज के समान आवाज निकालना। यदि आपको लगता है कि कुगर केवल छोटे और पहाड़ी इलाके तक ही सीमित रह सकते हैं और लंबे समय तक पीछा करने के लिए नहीं, तो आप गलत हैं। आपको कभी भी इनसे आगे निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बिल्लियां 55 से 72 किलोमीटर प्रति घंटे अर्थात 34 से 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं।
कूगर फुर्तीले मजबूत जानवर हैं जो एक ही बाउंस में 9 मीटर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कूगर से दूर भागना एक अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि यह उनकी प्रवृत्ति और हमले को उत्तेजित कर सकता है। अगर कोई कूगर आप पर हमला करता है तो आपको वापस लड़ना चाहिए। कोई प्लेइंग डेड जैसा गेम भी इसके साथ नहीं खेला जा सकता, जैसा कि आप ग्रिजली भालू के साथ करने की कोशिश कर सकते हैं। एक कूगर तुम्हें खा जाएगा, चाहे तुम मरे हो या जीवित क्यों ना हो। कूगर अपनी आंखों और कानों से शिकार का पता लगाते हैं। उनकी सूंघने की क्षमता हमारी तुलना में लगभग 30 गुना बेहतर है, लेकिन अन्य शिकारियों की तुलना में अच्छी तरह से विकसित नहीं है। उनकी आंखें सभी उपलब्ध प्रकाश को ग्रहण करती हैं और उनकी रात की दृष्टि उत्कृष्ट होती है, इसलिए वे सुबह जल्दी और शाम को देर से शिकार करना पसंद करते हैं। कूगर के पंजे 3 से 5 इंच तक चौड़े होते हैं और वे लगभग उतने ही लंबे होते हैं। उनके आगे के पंजे उनके पिछले पंजे से बड़े होते हैं। उनके चौड़े पंजे शायद उन्हें तैरने में मदद करते हैं। कूगर को एक बार में 15 मिनट या उससे अधिक समय तक तैरते हुए रिकॉर्ड किया गया है और वे पानी से बिल्कुल भी नहीं डरते। संक्षेप में कहे तो कूगर की लंबाई लगभग 8 फीट, कूगर की ऊंचाई 60 से 90 सेंटीमीटर, पंजे का आकार 3 से 5 इंच तक चौड़े और लंबे, कूगर का वजन लगभग 53 से 100 किलोग्राम, छलांग लगभग 5 मीटर से ऊंची और 6 से 12 मीटर से लंबी छलांग, रफ्तार 55 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे, बाइट फोर्स 720 PSI। अब देखते हैं पुमा के अन्य जंगली जानवरों से खतरनाक मुकाबले। भालू वर्सेस पुमा। भालुओं के आम लक्षणों में बड़ा शरीर, मोटी टांगे व बाजू, लंबी नाक, पूरे बदन पर घने बाल और पाँव में सख्त नाखून शामिल हैं। भालू झुंड के बजाय अकेला रहना पसंद करते हैं और यह प्रायः 5 फुट से 7 फुट तक लंबा और लगभग 5 फुट से 7 फुट तक ऊंचा होता है। इनकी रफ्तार लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। भूरा भालू अपने आक्रामक व्यवहार और ताकत के लिए जाना जाता है। इस जानवर का वजन 680 किलोग्राम तक पहुंच सकता है और ऐसा माना जाता है कि यह अपने एक पंजे के एक वार से एक मूस को नीचे गिराने में सक्षम है, और वैज्ञानिकों के अनुसार एक बॉलिंग बॉल को कुचलने के लिए ग्रिजली भालू की बाइट काफी है। ग्रिजली भालू की बाइट फोर्स 1160 PSI होती है, जबकि एक कूगर या पुमा लगभग 8 फुट तक लंबा और लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है। इनकी रफ्तार लगभग 55 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है और इनके पंजे 3 से 5 इंच तक चौड़े और लंबे होते हैं। कूगर लगभग 5 मीटर से ऊंची और 6 से 12 मीटर से लंबी छलांग लगा सकता है और इनकी बाइट फोर्स 720 PSI होती है। जब भालू और माता पुमा का सामना होगा तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना ताकतवर और कौन कितना माहिर शिकारी है। जाहिर सी बात है, मदर पुमा अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी से भी लड़ जाएगी और वह लड़ाई ऐसी होगी कि भालू को वहां से भागना ही पड़ेगा। भालू के लिए माता पुमा एक खतरनाक अपोनेंट है। यह लड़ाई बहुत लंबी भी चल सकती है और आखिर में भालू वहां से भाग जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे। सामान्यतः पुमा भालू से लड़ाई नहीं चाहता, क्योंकि उससे मुकाबला करना पुमा के लिए बहुत मुश्किल है। भालू से जीतना शेर और बाघ के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि भालू को अपना बचाव करना आता है। कोई भी जानवर क्यों न हो, अपने बच्चों को बचाने के लिए वो किसी से भी जीत सकते हैं, लेकिन सामान्य हालात में पुमा भालू से जीत नहीं सकता, अतः यहाँ विनर तो भालू ही है। और अगर पुमा ने मदर भालू से पंगा लिया तो पुमा तो गियो। ऐसे ही पहाड़ी शेर की स्नो लेपर्ड, ब्लैक पेंथर, वुल्फ, जगुआर, ईगल, बनबिलाव, एनाकोंडा, सामान्य कुत्ते, पिटबुल और लकड़बग्घा के सांस रोक देने वाले मुकाबले देखने के लिए इसी वीडियो का अगला पार्ट देखना न भूले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, क्या आपने पुमा को शिकार करते हुए देखा है? यदि देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। We tried our best to provide correct facts and information, but the all information are collected from online sources, so please excuse us if you found any wrong information in the video.
and comment us in the comment box about the information that you found not suitable. Thanks for watching our videos. हमने सही तथ्य और जानकारी प्रदान करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन सभी जानकारी ऑनलाइन स्रोतों से एकत्र की जाती है, इसलिए कृपया हमें क्षमा करें यदि आपको वीडियो में कोई गलत जानकारी मिली है, और हमें टिप्पणी बॉक्स में उस जानकारी के बारे में टिप्पणी करें जो आपको उपयुक्त नहीं लगी। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Disclaimer: Video is for educational purpose only. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Thanks for watching. देखिए ऐसा है कि शासन और प्रशासन की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। यह वीडियो सत्य और असत्य दोनों घटनाओं पर आधारित है। इस वीडियो के कुछ पात्र काल्पनिक हैं और कुछ वास्तविक हैं। इसे अपने खोपड़िया का यूज करके समझ लें। इसमें यूज किए गए चटपटे वर्ड्स को फन में लें। वीडियो को पूरा देख के लाइक और शेयर करके जाए, वरना पाप लग सकता है। और कमेंट बॉक्स में गुल्ला न करें, मजाक को मजाक की तरह लें और इंजॉय करें।